मैं डॉक्टर एमएम जोशी आज फिर से आप लोग के लिए एक दूसरा मॉडल लेके आ रहा हूँ। और आज का ये मॉडल जो है बड़ा प्रचलित मॉडल है, आर्थर लेविस। बेसिकली एमए के स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आर्थर लेविस। और इस मॉडल को हम कहते हैं अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, यानि असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत। इस मॉडल के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेसिकली आर्थर लेविस एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में ज्यादा चर्चा की, यानी कहीं ना कहीं ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतया ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ये एरो अगर मैं ऊपर कर रहा हूं तो इसे आप, मेरा अभिप्राय है बढ़ रहा है, और अगर मैं ये नीचे एरो करता हूं तो इसका अभिप्राय है कम हो रहा है। ये एक छोटा सा नोटेशन आप लोगों की सुविधा के लिए है। चलिए, तो विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का आधिक्य है, लेबर श्रम बहुत ज्यादा है, यानी इसको हम कह सकते हैं श्रम बहुत ज्यादा है। और आर्थर लेविस ये मानते हैं कि ये जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं या जो अर्धविकसित देश है, सामान्यतया उन्होंने एक माना कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के दो सेक्टर होते हैं, दो क्षेत्रों में ये अर्थव्यवस्थाएं बटी होती हैं। पहला क्षेत्र होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस लेवल, यानी एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी अर्थव्यवस्था या एक ऐसा सेक्टर जहां आपकी आय कम हो, कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी कम हो, ये सारी नेगेटिव चीजें जीवन निर्वाह क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये पहला सेक्टर है लेविस के हिसाब से। दूसरा सेक्टर होता है कैपिटलिस्टिक सेक्टर, जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी क्षेत्र, कैपिटलिस्टिक सेक्टर। ये वो सेक्टर है जहां जीवन निर्वाह क्षेत्र के विपरीत आय ज्यादा होगी, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूंजीवादी क्षेत्र है ये जीवन निर्वाह क्षेत्र से ऊपर की स्थिति बताता है। अब इसमें एक चीज आपको और ये समझना है कि ये जो जीवन निर्वाह क्षेत्र है, यानी ये सबसिस्टेंस लेवल, यहां आय कम है, पूंजी कम है, यानी यहां जो मजदूरी एक श्रमिक को मिल रही है वो मजदूरी भी कम होगी इस सेक्टर में। और पूंजीवादी क्षेत्र में चूंकि आय ज्यादा है तो यहां जो मजदूर कार्य करेंगे उत्पादन में उनकी मजदूरी ज्यादा होगी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है अगर आपको आर्थर लेविस के इस मॉडल के बारे में क्लियर होना है। तो दो सेक्टर, सबसिस्टेंस लेवल, मजदूरी कम, आय कम, पूंजी कम। दूसरा सेक्टर पूंजीवादी सेक्टर, जहां इनकम ज्यादा है, पूंजी फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है, तो यहां स्वाभाविक तौर पर जो मजदूरी दे होगी मजदूरों को वो ज्यादा होगी। अब दूसरी एक बात समझने की है जो आर्थर लेविस कहते हैं, वो है जीवन निर्वाह क्षेत्र के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये जीवन निर्वाह क्षेत्र, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, सबसिस्टेंस लेवल। अब ये जीवन निर्वाह क्षेत्र जो है इसमें क्या होता है, थोड़ा आप ये समझिएगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या
जनसंख्या ज्यादा है तो जो श्रम उपलब्ध है कार्य के लिए वो भी बहुत ज्यादा होता है। जनसंख्या ज्यादा होने से श्रम बहुत है, लेकिन यहां जो इस जनसंख्या को मजदूरी मिल रही है वो मजदूरी इनको मिलती है बहुत कम, जीवन निर्वाह मजदूरी यहां मिलती। यानी इस मजदूरी पर श्रम इतना ज्यादा है कि इस मजदूरी कम मजदूरी पे भी बहुत ज्यादा श्रम तैयार रहता है काम करने के लिए। यानी ये असीमित है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, हर व्यक्ति को काम चाहिए। मजदूरी मान लीजिए यहां 100 रुपए रोज की मिल रही है, तो भी इस इतनी कम मजदूरी पे भी जनसंख्या अधिक होने के कारण जीवन निर्वाह क्षेत्र में बहुत से मजदूर काम करने को तैयार रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लोच, ये पूर्णता लोचदार है, पूर्ति लोचदार, ये सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये पूरी तरह लोचदार रहती है। अब दूसरी बात, यहां का जो श्रम है वो कहीं ना कहीं अनस्किल्ड, अकुशल होगा, तभी तो उसको कम मजदूरी मिल रही है, यह अकुशल है। यानी इसमें आपको यह समझना है कि एक सेक्टर हमने लिया जीवन निर्वाह क्षेत्र, इस जीवन निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा, श्रम की आपूर्ति बहुत ज्यादा, यद्यपि इनको मजदूरी कम मिल रही है, बावजूद इसके पूर्णता लोचदार होती है श्रम की सप्लाई, ये श्रम अकुशल होता है। अब यहां पर आर्थर लेविस का पूरा मॉडल जो है इस सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ये रब कर दे रहा हूं ताकि इसका एप्लीकेशन अब हम आपको शेयर करते हैं। अब आर्थर लेविस ने ये कहा कि किसी भी तरीके से, अब इसको समझिएगा, जीवन निर्वाह क्षेत्र ये एक सेक्टर है अर्थव्यवस्था का, इसकी विशेषताएं आपने देखी, श्रम बहुत ज्यादा और मजदूरी बहुत कम, असीमित सप्लाई है श्रम की। लेविस ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर यहां के लोगों की मजदूरी बढ़ाई जाए, यानी मजदूरी बढ़ा रहे हैं, मजदूरी बढ़ा रहे हैं यानी कहीं ना कहीं ये जो अकुशल श्रमिक है इसे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कुशल ज्ञान दे देते हैं और ये कुशल बन जाता है, तभी तो हम इसकी मजदूरी बढ़ाएंगे। अगर हम कुछ श्रम को यहां जीवन निर्वाह क्षेत्र के अकुशल से कुशल बनाते हैं और उनकी मजदूरी बढ़ा देते हैं, तो ये जो श्रम है जीवन निर्वाह क्षेत्र से, ये श्रम चले जाता है पूंजीवादी सेक्टर में। यहां हमें कुशल श्रमिक चाहिए और यहां कहीं ना कहीं उनकी मजदूरी थोड़ी ज्यादा होगी। तो धीरे धीरे इस सबसिस्टेंस सेक्टर से हमें कैपिटल सेक्टर की ओर श्रमिकों का मूवमेंट करना है, यही पूरा का पूरा मॉडल है आर्थर लेविस का। अब ये जीवन निर्वाह क्षेत्र जो है यहां पर मजदूरी जैसा आपने कहा कम है और बहुत ज्यादा आबादी है, तो जहां एक आदमी लगना चाहिए वहां 10 हैं काम करने वाले। यानी कहीं ना कहीं जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये यहां देखने को मिलेगा, अदृश्य बेरोजगारी ये आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा इस जीवन निर्वाह क्षेत्र से मजदूरी बढ़ाकर उन्हें कुशल बनाकर हम पूंजीवादी क्षेत्र में कैसे भेज रहे हैं, इसको आर्थर लेविस ने एक बड़े अच्छे डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। तो अब थोड़ा सा उसी डायग्राम की हम विवेचना करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज समझ जाइए आप लोग, इस डेवलपमेंट और प्लानिंग में सबसे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है वो है डायग्राम्स को
की क्लैरिटी उनमें नहीं होती है। और अगर आपकी क्लैरिटी डायग्राम में नहीं है, आपने अगर उस डायग्राम को नहीं समझा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए, इस डायग्राम को मैं बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये लिया हमने एक्स एक्सिस, ये ली वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या बता रहा है हमें? लेबर, श्रम की मात्रा। और वाई एक्सिस जो हमको बता रहा है, ये बता रहा है कहीं ना कहीं वेजेस, मजदूरी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, यानी उत्पादन कितना हो रहा है, ये भी हमको वाई एक्सिस बता रहा है। अब इसमें इस श्रम की मात्रा में ओ एक्स, और यह है मजदूरी। अब इसमें ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम मैंने दिया एस एस, यानी ये एस एस जो है ये है सब्सिस्टेंस वेज, जिसे हम कहते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी। ये मजदूरी दी जा रही है जीवन निर्वाह सेक्टर में, जो कि कम है, अकुशल है श्रमिक यहां। अब एक दूसरी मजदूरी के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं से डब्ल्यू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये आपकी है पूंजीवादी मजदूरी, यानी कहीं ना कहीं श्रमिक कुशल हो गया है, कैपिटलिस्टिक वेज वेजेस, और ये मजदूरी ज्यादा है ओ डब्ल्यू, आप देखेंगे ज्यादा है ओ एस से। यानी ये ओ डब्ल्यू में जब श्रमिक पहुंच रहा है, पहले वो ओ एस पे काम करता था, यहां से हमने उसे कुशल बनाया और धीरे से वो ओ डब्ल्यू स्तर पे पहुंच गया है। अब इन श्रमिकों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक बनाते हैं प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। ये हम थोड़ी देर के लिए नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम दे दें L1 और ये Q1। ये L1 Q1 जो है ये है सीमांत उत्पादकता वक्र, ये पहला है। अब आप देखिए थोड़ा श्रम कितना लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये श्रम है ओ एन वन। अब पूरा खेल आर्थर लेविस का इसी डायग्राम में है। अब यहां पर मैं दूसरा कलर यूज करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो। श्रम है ओ एन, ये श्रम उत्पादन जो है वो कर रहा है एल वन क्यू वन, राइट। पहले इनको मजदूरी दी जा रही थी ओ एस, अब मजदूरी दी जा रही है ओ डब्ल्यू, यानी ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है, सीमांत उत्पादकता वक्र। और अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू एल वन, और इसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल पी वन, डब्ल्यू एल वन पी वन, यानी ये जो सेक्टर है डब्ल्यू एल वन पी वन, ये कहीं ना कहीं आपको सरप्लस दे रहा है, यानी जिसे हम कहते हैं आधिक्य। ये आपका ये मजदूरी या कह लें या इसको कुछ भी कह लें, यह आपकी आपके पास बच रहा है इतना, यह आपके एक तरह से कैपिटल फॉर्म हो रही है। अब ये बच गया, आर्थर लेविस कहते हैं कि ये जो अतिरेक है, सरप्लस है, इसको आप फिर से इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी ये जो सरप्लस है ये फिर से इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो जाता है, और इन्वेस्ट होता है यानी ज्यादा श्रमिक अब अकुशल से कुशल बन रहे हैं, ज्यादा श्रमिकों को हम अब पूंजीवादी मजदूरी दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ रहा है। अब ये उत्पादकता वक्र यहां पे हो जाता है L2 Q2, ये P2। अब इसको आप अगर देखें तो श्रम की संख्या बढ़ गई है N2। अब अगर आप देखते हैं तो यहां पर जो अतिरेक है, सरप्लस है, वो है L2
पी टू डब्लू, ये आपका बन गया अतिरेक, जो बचा है सरप्लस, बाकी आपने मजदूरी दे दी, ये इतना बच गया आपका। तो ये बढ़ते जा रहा है, पहले ये इतना था, अब ये बढ़ गया है। तो अब अतिरेक बढ़ गया है, तो फिर से इसको आप पुनः अर्थव्यवस्था में पंप इन कर दीजिए, तो सीमांत उत्पादकता आपकी बढ़ गई L3 P3 और ये Q3। अब आप देखिए ये श्रम की संख्या बढ़ गई है N3 पर। अब यहां जो अतिरेक है ये अतिरेक क्या हो गया है, L3 P3 W, यानी ये पूरा सेक्टर आपका सरप्लस हो गया है, ये पूरा सरप्लस है और ये बढ़ते जाएगा। पहले इतना था, फिर ये और बढ़ा, फिर ये और बढ़ा, तो जितना बढ़ते जा रहा है ये, उतना आप अर्थव्यवस्था में पंप इन करते जाइए। तो जैसे जैसे आपका ये सरप्लस जो है ये अर्थव्यवस्था में डाला जा रहा है, आप क्या देखेंगे, इधर उत्पादकता बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा श्रम, यानी जो श्रम आपके पास है, जो श्रम का आधिक्य है, यानी कहीं ना कहीं विकासशील अर्थव्यवस्था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन में होने के कारण डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, ठीक। अब यहां पे क्या किया आपने, ये जो है इसको धीरे धीरे आप देखिए, ON1 से आप ON2 श्रम लिया, फिर आप ON3 श्रम लिया, और इस प्रकार ये श्रम आपका पहले जीवन निर्वाह मजदूरी में जाएगा SS में, और उसके बाद ये धीरे से WW में जाएगा, यानी पूंजीवादी मजदूरी में जाएगा, ये जीवन निर्वाह मजदूरी में जाएगा, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था अपने आप धीरे धीरे विकास के मार्ग पर चलने लगती है। यही पूरा का पूरा आर्थर लेविस का मॉडल है, जो उन्होंने खास तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये मॉडल आपको समझ में आएगा। कल फिर एक दूसरा मॉडल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।